तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। अरे क्या कर रही थी, कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने जा रही थी भाभी। गुलिया देखे मेरा क्या हो रहा है, बाल भी सुबह से नहीं बनाया, फकीर नहीं लग रही हूँ। तो कपड़े दो, मैं इस्त्री कर देती। अच्छा वो मैंने ना सुल्तान के जो धोने वाले कपड़े थे ना वो भिगो दिए थे, वो तो निकाल दो, इस तरह पड़े नहीं रह सकते ना। सुल्तान के कपड़े भिगो दिए? हाँ वो उसको जरूरत होगी ना। अच्छा मैं धो देती हूँ भाभी, लेकिन मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, सुल्तान आता ही होगा ना। कहाँ पड़े? वही कमरे में। हाँ मैं कर देती, मैं कर देती। आ गए तुम? अस्सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। आओ 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 आओ, वहां बैठे हैं। ये लो। शुक्रिया। और बताओ खाना खाया कि नहीं तुमने? खाया था अड्डे पे। थके हुए लग रहे हो, इतना काम ना किया करो, बिल्कुल आराम नहीं करते तुम। चाय पियोगे? चाय बना दो। अरे तुम आ गए? जाहिर है मजबूरी है, रात होने वाली है और कोई ठिकाना नहीं है मेरा, घर ही आना पड़ता है। क्या हो गया? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हूँ? इसे क्या हुआ? पता नहीं भाई, इससे में लग रहा है शायद थका हुआ है, आजकल इसका मिजाज ही ठीक नहीं रहता। तो ज्यादा बात ना ही करना, खुद ही ठीक हो जाएगा। इंसान नाराज उसी से रहता है जिसके दिल में दर्द रह जाए। तो मुझे भूल नहीं पाए ना? अभी भी याद हूं ना मैं तुम्हें? नहीं, गलत कहती है वो, मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जज्बा नहीं है। सुल्तान, हम दोनों को अलग करने की साजिश शहनाज ने की थी। उसे लगता था कि अगर मैं उस घर में आऊंगी तो तुम मेरे प्यार में खोकर उसे भूल जाओगे। वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। महीने का खर्चा दे तो चुका हूँ। मौसम बदल रहा है, अपने लिए कुछ कपड़े बनवाने थे। फायदा क्या है? बोलिए जब यही रहना है, खुद पर तो खर्च करना नहीं है तुम्हें। फारिग नहीं होती सुल्तान, सारा दिन घर के काम कर रही होती। बड़े एहसानात हैं तुम्हारे हम पर, ना होती तो क्या होता हमारा। ऐसे ही गंदे उलिये में रहना है ना, अगर मेरे सामने नहीं आया छेड़ा मुझे। तो अब नया बहाना हाथ आ गया? बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूं। उसको फोन करने जा रही हो आधी रात को? तुम सो जाओ आराम से, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर, बैठो यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
शहजाद से कहा था रात में बात करूंगी, इंतजार कर रहा होगा। अब्बा मेरा ये मतलब थोड़ी था तुम शहजाद को जाके दोबारा जहन्नुम में ले आओ और उस जलादनी के हवाले कर दो। बेटा तो खुद ही तो कह रही थी कि आपके होते हुए शहजाद यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहा है। ये कहने का मतलब ये था कि उसका खर्चा उठाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना अब्बा। अब देखे इरफान भाई की मामूली नौकरी, खाला की सिलाई कढ़ाई, उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब्बा उसका ख्याल आपको रखना चाहिए। और हाँ अब्बा दोबारा ना उसको यहाँ लाने की बात मत करना, वहां बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। शुद्धा से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना ली। वो औरत घर बनाने वाली है ही नहीं। लो फिर आ गई तुम, ससुराल में चैन नहीं है तुम्हें। तू कहां से आ रही है? तंदूर पे गई थी रोटियां लगवाने, देख नहीं रहे शॉपिंग करके आई हूँ, थक गई हूँ बहुत मैं तो। जरा सोनिया जा पानी तो पिला दे, बल्कि ऐसा कर चाय का पानी रख दे। और हाँ अपने अब्बा से पूछ ले अगर खाना खाएगा तो रोटी बना दे, मैं तो खाना खा के आई हूँ। कहो तो टांगे भी दबा दो। अरे वाह बड़ी फरमा बरदार खिदमत गुजार बन रही है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे। जरा सुनना मुझे थोड़े से घर के खर्चे के लिए और पैसे दे दो, सारे खर्च हो गए आज। अरे अल्लाह थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, घर वाले को तो दिल के दौरे पड़ना शुरू हो गए। अरे मेरी किस्मत फूट गई, क्या करूं मैं, क्या किया मैंने ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी सी शॉपिंग ही तो की है। ये थोड़ी सी शॉपिंग है? हाँ और क्या, देख ले। अरे महीने का सारा राशन खत्म कर दिया तूने, कह रही है थोड़ी सी शॉपिंग? बस सिर्फ घर के खाने खाने कर लो, बीवी को कुछ ना दिलवाना। अंदर रो। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, रुलाने वालों में से हूँ। ये लो गरम गरम इलायची वाली चाय खास तुम्हारे लिए। आज तुम 15 मिनट लेट आए हो, पूरे 15 मिनट। मिनट मिनट का हिसाब क्यों रखती हो? ना पड़ता है भाई, तुम तो घर से निकलते हो और तुम्हारा इंतजार शुरू। हम सब तुम्हारे हैं भाभी, रानी घर पर होती है उससे बातचीत कर लिया करो, किसी सहेली के पास चली जाओ, बल्कि बुआ मिल लिया करो ना जा। मेरा दिल ही नहीं करता उसी से मिलने को, उससे बात करो। बस अब ये घर ही मेरा सब कुछ, मेरा जीना मेरा मन। अरे चाय तो पियो। अच्छी बनी कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही। इरफान आया था उसके साथ गई है, उसका भाई शहजाद बहुत याद कर रहा। शहजाद याद कर रहा था तो उसे यहाँ ले आता? ये कैसे ले आता, स्कूल गया हुआ था ना उस वक्त। रोका नहीं तुमने सोनिया को? तुम्हारी बात नहीं मानती, मेरी बात कहाँ मानेगी। शहजाद बहुत खुश है खाला के घर, दिल लग गया उसका वहां, और शुक्र है अब्बा भी मान गया उसका खर्चा उठाने के लिए। आप अब्बा के घर गई थी? हाँ। अब तो अब्बा को अपनी बीवी की असलियत का ही पता चल गया, वो समझ गए कि वो औरत एतबार के काबिल बिल्कुल भी नहीं। मैं देखती हूँ।
भाभी। क्या भाभी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझसे भी बात कर लिया करो कभी। भाभी, रानी कौन आया है? ओ, तो तुम हो? जी मैं। रानी इधर आओ। बोलो क्या काम है? पहली बात तो ये मेरी बहन का घर है, और दूसरा मुझे अपनी बहन से काम है, और तीसरा ये मैं अपनी बहन को ही बताऊंगा। तुम्हारी बहन अभी घर पे नहीं है, जब वो होगी तब आ जाना। मैं अपनी बहन के घर में इंतजार करूंगा, देखता हूँ कौन निकालता मुझे। देखो मैं सिर्फ भाभी की वजह से तुम्हारे लिहाज करती हूँ, वरना तुम जैसे से निमटना अच्छी तरह आता है मुझे। शिकायत लगा दी ना मैंने अगर आपा से, तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें, समझी? शिकायत लगा सबर करो। बता दिया ना मैंने अगर सुल्तान भाई को तुम्हारी इन बदतमीजियों के बारे में। ये छोड़ो उसकी ये जुरत कि वो इस तरह की बात करे तुम्हारे सामने। मैं नहीं छोड़ूंगी, अरे सुल्तान को बताऊंगी, देखना वो क्या करता है उसके साथ। सुल्तान से शिकायत लगा के क्या होगा भाभी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, धमकी दे रहा था कि मुझे घर से निकलवा देगा। ये सारी बातें वो ऐसे ही तो नहीं कह सकता ना। बिल्कुल ही दिमाग फिर गया इस लड़के का, फिरकी फिर गई है इसकी। बुआ को बताती हूँ, वो ठीक करेगी इसके जूते मार मार के। जो मामला कुछ और लगता है। जाजी सुल्तान की शहर पे इतना दलेर हो रहा है, मुझे लगता है कि सुल्तान का उनके घर पे आना जाना है, और शायद परवीन से भी मिलता है। मैं मर गई, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ऐसा ही होगा, यही हो रहा होगा। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है वो, मैं कुछ भी बोलती हूँ मुझे चुप करवा देता है, गुस्सा हो जाता है, क्या करूँ? कुछ करना पड़ेगा, तुम फिक्र ना करो, मैं करती हूँ कुछ। सुल्तान के दिमाग से ना परवीन का भूत तो उतारना ही पड़ेगा, और ये मैं ही कर सकती हूँ, करना पड़ेगा, तुम फिक्र ना करो, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों जाके जरा घर का काम तो खत्म करो ना, शाम हो रही है, स्टोर जरूर साफ कर लेना, बहुत काम पड़ा है, जाओ और फिक्र ना करो। हाँ ऐसे क्या देख रही हूँ, एहसान नहीं कर रही मैं तुम पे, भरोसा रखो मुझ पे, कर लूंगी मैं कुछ, संभाल लूंगी, करती हूँ भी इसको ठीक में, जाओ जरा घर के काम निपटा लो, संभाल लूंगी मैं, देखती हूँ मैं क्या करना है, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इरफान आया था, उसके साथ गई है, उसका भाई शहजाद बहुत याद कर रहा। शहजाद याद कर रहा था तो उसे यहाँ ले आ? कैसे ले आता, स्कूल गया हुआ था ना उस वक्त। अगर शहजाद स्कूल था तो इरफान बहाने से सोनिया को? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे सोनिया पर इतना यकीन क्यों है? मलिक मेरी बात ना गौर से सुनो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, सीधी और साफ सी बात है कि तुम्हारा मेरा ना कोई जोड़ बनता ही नहीं है, इसलिए मैं वापस नहीं आने वाली। तुम ऐसा करो कि तलाकनामा भेजो और साथ में मेरा हक महर भी भेज देना, और आज के बाद मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं जा रही हूँ? बाहर जा रही हूँ, देर से आऊंगी। इतना बांठन के ये परस-वरस कहाँ जा रही है? सुल्तान से मिलने जा रही हूँ अड्डे पे। सुल्तान को बता दिया है? कहीं उसको बुरा ना लग जाए। बुआ उसे ना मैंने सब बता दिया है,
कि हमें जुदा करने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी भाभी है जिसकी वो हर टाइम माला जपता रहता है ना। अच्छा तो फिर क्या कहा सुल्तान ने? कहना क्या है, शहनाज ने इतना गहरा असर छोड़ा है ना कि सुल्तान तो यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं भी यकीन दिलवा के ही छोड़ूंगी। वैसे बहुत बुरा किया शहनाज ने, अपना मतलब निकालने के लिए ना अच्छा नहीं किया। खैर बुआ मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चाय भी नहीं होगी ना, तुझे मंगवा देता हूँ तेरे लिए चाय। अच्छा बड़े सखी हो रहे हो आजकल, किस किस को चाय पिला रहे हो जरा मुझे भी पता चले। फिर आ गई। हाँ और तब तक आती रहूंगी जब तक तुम्हारी नफरत मोहब्बत में नहीं बदल देती। बड़ा आसान है ना तुम्हारे लिए, मोहब्बत ना हो गई सौदेबाजी हो गई, आज इससे कर ली कल उससे इकरार कर लिया, है ना। मेरे दिल में तो कल भी तुम थे और आज भी तुम ही हो। मैंने तुम्हें बताया ना मेरे साथ धोखा हुआ है, शहनाज ने खेल खेला था मेरे साथ। मेरे साथ तो पता नहीं कौन कौन खेल खेल रहा है, जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई, मैं इस पहेली का जवाब ढूंढ रहा हूं। देखे बाबू यहाँ पे इतना सामान बिखरा पड़ा है। कह रही हूँ रानी है तो बहुत कचरा है, अगर भाभी नजर ना डालती तो बाहर सारा यहीं पड़ा रहता। खाना कैसा था? आज मैंने बनाया था। हाँ अच्छा था खाना, भूख नहीं थी मुझे, खा लिया मैंने। तो भला भूख क्यों नहीं थी, अड्डे पर खा के आए थे क्या? नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं। क्या बात, परेशान लग रहे हो, क्या बात? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सब। कुछ तो है, अब मुझसे भी छुपाओ। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया? परवीन का था। परवीन का? वो चुड़ैल अभी तक? क्या करूं मैं, कैसे बंदोबस्त करूं? बुआ से कहती हूं मैं कुछ करती हूं, ये जान क्यों नहीं छोड़ रही है? अजीब बातें करती है, कहती है तुमने मुझे उससे दूर कर दिया, ये सब तुम्हारी साजिश थी। साजिश मेरी? कैसी बहन है ये, कैसी बहन है? शुक्री गई की अपनी लालच की वजह से इसने वो कदम उठाया था, जलील किया हम सबको, सारा ऐसा मुझ पर लगा रही है, तुम्हारी नजर में मुझे गिरा रही है। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ सुल्तान, बिल्कुल साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुमने इसकी बातों पे यकीन किया और मेरे बारे में कुछ गलत सोचा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। मुझ पर इल्जाम लगा रही है, ये अधर है इसका है। और दिमाग में बातें रह जाएंगी मेरे बारे में, तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे। मैं कभी उसकी बातों पर एतबार नहीं करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम आ गए, मैं स्टोर की सफाई कर रही थी, ध्यान ही नहीं रहा। खाना भी खा लिया, चाय बना देती। जरूरत नहीं है, जिसने खाना दिया था चाय भी वही बना देता। जाओ तुम काम करो,
सफाइयां वगैरह करो। अरे बेचारी काम ही कर रही थी। नहीं नहीं चाय यही बनाएगी, तुम चाय बनाओ मेरे लिए भी अच्छी सी चाय, और ये बर्तन ले जाओ धो देना। वैसे तुम क्या ठीक रहे हो, उल्टे सीधे काम लेकर बैठ जाती है जब तुम्हारे आने का वक्त होता है। रानी चाय बना लोगी, मैं मुंह हाथ धोके कपड़े बदल लूं। बोलिया देखो कैसा हो गया। जी आप जाके कपड़े बदले, मैं अभी चाय बनाती। मैं अच्छी हूँ आती हूँ। हाँ भाभी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नया जोड़ा है, खालन दिया था मुझे। ये सफेद रंग बहुत जच रहा है आप पर। अच्छा आप मुझे बताएं चाय इधर ले आऊं? सुल्तान तो भाभी के पास है, मैं काम करती हूँ वहीं पे ले जाती हूँ उसे। सही है, तुम भी आ जाओ। नहीं भाभी मुझे पढ़ने, मैं पढ़ लूँ जरा। अब क्या सोच रहे? सोचना क्या है, किस्मत भी अजीब ही खेल खेल रही है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया। ना उसकी बातों पे ध्यान दो परवीन की, बकवास करती है वो, झूठ बोलती है। अभी परवीन की बात नहीं कर रहा मैं तो, सोनिया चाय। हाँ हाँ लाओ। क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बैठे हो सुल्तान? तबीयत ठीक है ना सुल्तान? बुखार तो नहीं? अरे क्या हो गया, क्यों उसे ऐसी बुरी बुरी बातें निकाल रही हो? खुदा ना खासा क्यों होगा उसको बुखार, अल्लाह ना करे वो बीमार हो। थकन है, चाय पिएगा ठीक हो जाएगा, अल्लाह ना करे ये बीमार हो। मुझे जरा नाश्ता बना दोगी? भूख लग रही है। जी भाभी। आज जल्दी घर आ जाओगे? कोई काम है भाभी? काम के बगैर नहीं बुला सकती क्या? नहीं वो मेरा मतलब ये नहीं था। आओगे ना फिर बताऊंगी क्यों बुलाया है, जल्दी आना। भाई चले। आओ चल। पढ़ने का बहुत शौक है इसे। हड्डी भाई चले। करती भी कितनी अच्छी लगती है। अभी जिंदगी की तरह फ्लोट रही है, खुश रहने लगी है, मुझे काम पर फोन भी करती है, जल्दी घर आने को कहती है। काम पर होता हूं ना तो वापस जाता हूं तो मेरा इंतजार कर रही होती है, दिलचस्पी भी लेने लगी है घर में ना। मैं तो बड़ा ही मायूस हो गया था। एक मशवरा दूं साहब? हाँ हाँ बोलो। भाभी के खून है? हाँ भाभी बोलो। अरे भाभी मुझे क्या जाना है, काम पर ही तो होता हूँ मैं। हाँ हाँ याद है, जल्दी आ जाऊंगा मैं। हाँ वो एक काम कर देना, मेरे कपड़े जरा इस्त्री कर देना, बाहर जाना है खाने पर, शॉपिंग पर भी हो जाएगा, कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, आ जाता हूँ ना फिर चलते। हाँ
देखा, कह रहा था ना मैं अभी जिंदगी की तरफ लौट रही है। वो मैं कुछ कह रही थी साहब। हाँ बोल। तुम ना अपनी भाभी की शादी करा दो। अरे नहीं नहीं, वो नहीं मानेगी। भाभी ना मेरे भाई जी से बहुत ही मोहब्बत करती थी, सोच भी नहीं सकती है। अरे वो नहीं मानेगी, नहीं सोच सकती, लेकिन तुम तो सोचो, अकल से काम लो। देखो उसकी ना शादी करा दो, और इस काम में देर मत करना। गलत नहीं कह रही मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, जल्दी से उसकी शादी करा दो। उसके लिए बड़ी भलाई का काम करोगे तुम। ठीक कह रही हूँ मैं। अभी अभी जूस भाभी। अब बड़ी भाभी और भाई किधर रह गए? अभी तक आए नहीं, काफी देर हो गई है। भाभी कह रही थी कि एक दो काम है, थोड़ी देर हो जाएगी, उसके बाद बुआ के घर भी जाएंगी। परवीन की शिकायत लगा। परवीन की शिकायत? छोटी भाभी, लेकिन वो बड़ी भाभी की बहन है। हाँ है तो क्या हुआ? इस मामले में भाभी मेरा बहुत साथ दे रही। आपको क्या हो गया भाभी? आपने कैसे बड़ी भाभी पे यकीन कर लिया? आप सब भूल गई हैं? रानी मुझे लगता है रफीक भाई की मौत के बाद भाभी का मिजाज बहुत बदल गया। मतलब वो पहले जैसी नहीं रही। मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती, मैं सुल्तान के आने के बाद उसके साथ खाऊंगी। आजकल मुझसे बहुत नाराज नाराज है। अब मैंने सोच ली, मैं उसे मनाऊंगी। ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह सकता। हाय सुल्तान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तो बहुत मजा आया। हाँ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वक्त कैसे गुजरा, पता ही नहीं चला। कितने अरसे बाद इतना अच्छा और इतना खूबसूरत दिन गुजारा है, काश ये दिन खत्म ही ना हो। आज कितनी बातें की हमने, कितना मजा आया। हाँ भाभी, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, तुम खुश हो मेरे लिए तो यही है। कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ, वो पुरानी तो तुम्हारा इंतजार करते करते ही सो गई सुल्तान। हाँ वो खाना भी नहीं खाया मैंने तुम्हारी वजह से। मैं तो खाना खा लिया, वो असल में इतनी देर जो हो गई थी ना। फोन करके मुझे बता ही देते खा क्या होगी, मैं बैठी बैठी कब से। ठीक है मैं भी नहीं खाती, भूखी सोचो। अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम, जाओ जाकर खाना। मुझे नहीं खाना। ओहो ये भी बच्चों की तरह ना नाराज हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, मनाऊंगा नहीं ना जब तक, ये खाएगी भी नहीं। मैं ठीक। सुनो एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ कहो। रात को मुझे अकेले बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती, सारी सारी रात सो नहीं सकती मैं। सोनिया से कहो ना आप मेरे कमरे में सो जाए। हाँ मैं कह देता हूँ। लेकिन वो नाराज है, मान तो जाएगी ना। उसकी मर्जी हो या ना हो वो तुम्हारे पास ही सोएगी। मैं कह देता हूँ। बड़े नखरे दिखाती है सुल्तान को। अरे भूल जाओ अब कि सुल्तान तुम्हारा कुछ लगता है।
इतनी बेचैन है बस एक रात की दूरी से। अरे आदत डाल लो बीबी, ये बेचैनी तो हमेशा की है, तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली है। वो भाभी सो गई थी और मुझे दूसरी जगह नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई। वैसे बड़े आराम से सो रहे थे तुम, मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ लो अब इस वक्त, आधी रात को भी लड़ने का इरादा तुम्हारा? ये तो भाभी की आवाज है। वो तो गहरी नींद में सो रही थी जब मैं आई हूँ। भाभी, भी क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों क्यों डर रही हो? यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर कोई है? मैंने खुद देखा, मेरी अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो, मुझे डर लगता है। मैंने भाभी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा जरूर। अकेले नहीं रहूंगी, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। नहीं, तुम भी थक जाओगे, कब तक मेरे साथ रहोगे? भाभी मत सोचो ऐसा, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही हूँ। नहीं, वो सोनिया थी ना यहाँ पर, वो पानी पीने के लिए सिर्फ गई थी बाहर। ये आ गई सोनिया, आ गई सोनिया। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? अब हिलना नहीं यहाँ से, सो जाओ यहीं पे। वाह जी वाह सुल्तान साहब, आज तो बड़ा चमक रहे हो। तुमने ठीक कहा था, मुझे उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं। और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। दिन को वो उदास रहती है, मेरा इंतजार करती है, बार बार फोन करती है। रात को उन्हें नींद नहीं आती, अगर सो भी जाएं तो चीखा मारकर वापस उठ जाती हैं। कल रात भी बड़ी मुश्किल से सुलाया हुआ। और जब मर्द दूसरी शादी कर सकता है तो फिर औरत क्यों नहीं? ये गुना भी नहीं है। और फिर भाभी, अभी तो बहुत जवान है, बहुत खूबसूरत है, जिंदगी भर पूरा हक है उनका। ये उन्हीं की कॉल होगी, देखा चलता हूँ। हाँ भाभी, हाँ पहुंच गया हूँ। अच्छा काम हो जाएगा तो मैं बता दूंगी, तुम्हें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, अब मेरा यहाँ आना भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी सहेली हो, मरते दम तक ये राज अपने दिल में रखूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर ये राज फाश हो गया तो तुम फांसी के तख्ते पे चढ़ जाओगी। कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी सुल्तान से, तुम जाओ। हाँ हाँ, खुदा हाफिज़। तू हिसाब सही से लिखा कर, चल शकल घूम कर अपनी जाके यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। सारी फरमाइशें भी याद हैं, टिक्का बोटी वगैरह सब ले आऊंगा, और हाँ गजरे भी। और कुछ है तो बताओ। लेकिन मैंने तो कोई फरमाइश की ही नहीं। कौन? अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानते हो तुम? अरे क्या हुआ है, भाभी तो ठीक है ना? क्यों, मैं तुम्हें ऐसे ही कॉल नहीं कर सकती, मेरी आवाज सुन के इतना परेशान क्यों हो गए? क्या फजूल बोलती रहती हो तुम, काम कर रहा था मैं। वो तुम्हें दिन में हजार मर्तबा कॉल करे तो ठीक है, हंस के बात करूंगी, और मैं फोन करूं तो मसरूफ हो, बात नहीं कर सकते। उनसे मुकाबला मत किया करो, कितनी बार कहा है मैंने तुमको? करूंगी,
हजार बार करूं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, घर आकर बात करते हो, रखो फोन, अब फोन नहीं करना। अरे सुल्तान के आने का वक्त हो रहा है ना, तो मुझे दिल में खदशा था इसलिए मैंने बुआ को फोन किया। वो ही हुआ जिसका डर था, निकला हुआ है वो सुहेल के साथ परवीन के। मगर आपने फोन क्यों किया? सुल्तान को आने में तो अभी काफी वक्त है। नहीं नहीं आ जाता है वो इस वक्त, काफी तैयार हुई नहीं, कहीं जा रही? नहीं कहाँ जाना है, मैंने वो सफूरा आई थी तो सोच रही थी मैं, लेकिन छोड़ो ये बातें, जो मैं कह रही हूँ ना वो बात गौर से सुनो। ये सुल्तान आए ना, कोई जरूरत नहीं उसको लिफ्ट कराने की, को काम लेकर बैठ जाना, उसे एहसास से लाना कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, समझ रही हो ना? ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह। मैं तुम्हें कोई गलत मशवरा क्यों दूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ मैं तुम्हारी। सुनो मैं जरा आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में, खाना ना भूल जाना तुम रात का। हाँ इसलिए मैं तो कहती हूँ अभी से तैयारी शुरू कर दो। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, किसकी बातों पर यकीन कर रही थी? तुम बिल्कुल ठीक कहती थी रानी, ये औरत कभी हमसे मुखलिस हो ही नहीं सकती। मेरी मेरी अभी सुल्तान से फोन पर बात हुई है, वो अड्डे पर है, पीछे से बसों के हॉर्न की आवाजें आ रही थी और ये कह रही है कि कर सकती।